हेलो स्टूडेंट्स, आज ग्रेडियंट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम करेंगे। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। आपको स्पेस के अंदर टेम्परेचर एट एनी पॉइंट गिवन बाय टी गिवन है। टेम्परेचर एट एनी पॉइंट इन द स्पेस इज गिवन बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो आपको इसमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ दिस टी, डेरिवेटिव ऑफ दिस टी इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ टी, ऑफ टी इन द डायरेक्शन थ्री आई माइनस फोर के एट द पॉइंट वन 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 और वन पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है इन दिस डायरेक्शन। तो उसके लिए हमें क्या कराएंगे, पहले इसका ग्रेड निकाल लें। डेरिवेटिव क्या निकालेंगे इसका, ग्रेड। तो यहाँ पे आपको सोल्व करना है ग्रेडियंट ऑफ टी। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन कैसे आता है, कर्ली टी बाय कर्ली एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँ, आई कैप जे कैप इंटू कर्ली टी बाय कर्ली वाई और प्लस के कैप इंटू कर्ली बाय कर्ली जेड ऑफ टी। पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे आई कैप के साथ, विद रिस्पेक्ट टू यानी जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है डेल वो अप्लाई कर देंगे हम टी के ऊपर। विद रिस्पेक्ट टू टी, टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें यहाँ पे वाई होगा, एक्स एज वाई ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे ये आएगा वाई और यहाँ पे आएगा जेड। तो ये क्या बनेगा, वाई प्लस जेड इंटू आई कैप प्लस जे इंटू विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो वाई वेरिएबल होगा, बाकी सब ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे होगा जेड और यहाँ पे होगा एक्स, तो एक्स प्लस जेड और प्लस के कैप के साथ क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू जेड पार्शियल करेंगे इसका जीरो होगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो वाई, इसका विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो एक्स। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई और जो गिवन पॉइंट है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, एक्स की जगह पे वन, वाई की जगह वन और जेड की जगह वन। तो ये बन जाएगा टू आई टू जे और प्लस टू के कैप, ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ टी। अब हमें ये चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो कभी भी हमें किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए किसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में, तो गिवन वेक्टर उसको यूनिट बना देना होता है। तो हम यहाँ पे थ्री आई माइनस फोर जे को यूनिट वेक्टर बनाएंगे पहले, लेट इट इज़ ए वेक्टर। तो ये वेक्टर गिवन है वो क्या है, थ्री आई माइनस फोर के कैप, इसको यूनिट बनाएंगे तो इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो भाई, ये आएगा थ्री आई माइनस फोर के कैप बाई इट्स मैग्नीट्यूड इज थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और नाइन और सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव का रूट अगर करेंगे तो फाइव। अब अगर इसका डेरिवेटिव चाहिए इन दिस डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, तो इसको यूनिट बनाएंगे और इसके साथ डॉट करा देंगे इस पॉइंट के ऊपर, ये आ जाएगा। तो ये आप ही करेंगे, ग्रेड टी को डॉट करा दो ए यूनिट वेक्टर के साथ, डॉट कराएंगे तो आई का कोफिशिएंट आई के साथ थ्री टू जा सिक्स बाय फाइव, तो ये आएगा सिक्स बाय फाइव। जे नहीं है यहाँ पे ज़ीरो, के का विद रिस्पेक्ट टू के मल्टीप्लाई करो कोफिशियंट्स को, एट बाय फाइव विद नेगेटिव साइन, तो ये आ जाएगा माइनस टू बाय फाइव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।